हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो मनाली में हैं हम, आज एप्पल गार्डन में हैं। तो देखते हैं आज कैसे मनाली में ये एप्पल गार्डन की मेंटेनेंस होती है, जो नए प्लांटेशन होते हैं उसके ऊपर कैसे ग्रोथ होती है और कैसे उनको प्लांट किया जाता है, क्या विंटर में कैसे रहता है। ये दोस्तों आप देख सकते हैं नई प्लांटेशन है यहाँ पे, और ये देख सकते हैं दोस्तों आप, साथ ही कुछ एक जगह पे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये स्नो भी दिख रही है आपको। इसकी ठीक है नहीं, ये तो ठीक है, पिछले साल का है, इस साल के नहीं बढ़ रहा है ना। इसको थोड़ा छोटा कर दो आप ना, तब जाएगी इसकी ग्रोथ सही। मतलब नहीं बढ़ रही है, उसको देखना पड़ेगा। ये सही है, खजूर तो सही है। अच्छा, ये है खजूर तो। इसमें लीडर कौन रखना आपने? ये है परे वाला, ये है। लीडर है तो सीधा जा रखा, मतलब कि बड़े रहना मतलब, तो अभी नहीं तो एक्सपोर्ट लानी पड़े तो है। ये है बिल्कुल सीधा लीडर, या तो परन डंडा लाते हैं ढक रही है। हाँ, ये परन लगाना, इसको बनाओ फिर लीडर था पड़ेगा सीधा। ये बढ़िया ना, तब आएगा बिल्कुल सटे। अच्छा, इसको काट दो फिर, इसका नहीं फायदा ही है। बच जाएगा कोई? नहीं नहीं, मतलब ही नहीं है, नहीं है ना यहाँ पे, मतलब ये आप देख सकते हैं इस पर के, इसको काट दो इसको बस। गाय का रतन थोड़ा सा मतलब के, अच्छा नहीं प्लांटेशन है। कितने साल का पेड़ है ये? 3 साल हो गए इसको। अच्छा, और ये नीचे तो बड़े पेड़ हो गए ना, चार 5-6 साल के? 10-12 साल के। अच्छा, आजकल सर्दी में क्या गोबर पानी वगैरह कैसे क्या रहता है इनका? कितना गोबर देते हैं आप इनको, पेड़ों को? 1 किलटा एक पेड़ के लिए, जो छोटे पेड़ को कम ही देते हो। अच्छा, ये नए प्लांट लगाया आपने? अच्छा, ये प्लम का पेड़ है, पिछले साल का। अच्छा, पिछले साल का आपने ये? अच्छा, यहाँ नीचे लग रहा है उसमें क्या निकल रही है, इसको काट दो ना, एक साइड में भी इसके दोनों काट दो। फिर इसमें शायद वो दूसरी ग्रोथ खींच लेते ना ये, फिर इसकी ग्रोथ नहीं बढ़ी होती है। हमेशा इनका रखना ना लीडर, और इसका कंपटीशन ही कभी होना चाहिए ना। नहीं होता, नहीं होता ना। हाँ, वो नहीं, नहीं तब उसकी ग्रोथ नहीं बढ़ी होती कभी भी। ये पुराने पेड़ है कुछ एक सेब के, ये भी पेड़ है। ये एक्चुअल में पता क्या होता है, जैसे जब पेड़ नया लगाते हैं ना आप, तो उस वक्त इसकी सेटिंग कर दिया, स्पोर्ट कर लगा दी ना दादाजी ने। हाँ, तो उस टाइम हो जाते ही। मैं खुद कर रहा हूँ कटिंग ना, ये देखो अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ, पेड़ की तो अच्छी ग्रोथ हुई है। ये देखो इसकी ग्रोथ देखो, ये इस कम में नहीं आ वाला, सूख गया ये दो बचाए ना, ये बचाए पूरा गंजे ने। हाँ हाँ, ये बहुत अच्छा हो गया ये। फिर जो जो लंबी जंपी जाती है ऊपर, वो लंबी टहनी ऐसी रखनी पड़ती है, काटनी पड़ती है? अच्छा, टॉप करते हैं इनकी ऊपर ऊपर से। अच्छा, कितने लगते हैं इनमें फ्रूट वगैरह, कुछ सैंपल सैंपल लग जाते हैं? दो क्रेटे कम से कम, अगर अच्छी बम्पर अगर फसल हुई तो कितने क्रेटे लग जाएंगे इसमें? दो 2-4 क्रेटे ये देते हैं, 6-6 क्रेटे बड़े वाले। अच्छा, साढ़े 1000 क्रेट निकाल, ये देते 6-7 क्रेट जी, बड़े वाला पेड़ सामने है। अच्छा, इसमें 6-7 क्रेटे हो जाती है। अच्छा, 2-3 क्रेट देते। अच्छा, ये मेरे साथ ही नहीं। अच्छा, जो आपके साथ होते हैं। ये 3-4 साल। अच्छा, मेरा लीटर खाओ गाय है। अच्छा, कब द्वारा बनाया है ना वो लीटर, मतलब मेन ब्रांच जो बोल रहे हैं आप, गाय ने खा लिया। अच्छा, कब बनाया है तो ये लगना पता नहीं। नहीं ठीक है, ये तो ठीक ही है। देखो अच्छा, नया लगा हुआ आपने प्लांट,
अच्छा ठीक है, अब नहीं है, कल में ठोकेंगे बेशक बाद में। गाय ने खा ली इसको, मतलब वैरायटी काला वैरायटी है। लगा सकते हैं अभी बैठे साथ में, सारा सामान है उसमें, क्या है अगर करना तो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कांटे स्टार्ट करता हूँ थोड़ा सा इसके, बाकी ये दो दो ब्रांचें मत रखूँगा ना। यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो मनाली में आपको पता ही दोस्तों कि कैसे क्या रहता है, टेम्परेचर बहुत कम रहता है। तो यहाँ पे जो लोग यहाँ पे बागवानी करते हैं तो सर्दियों में काम करना ज़रूरी भी है, बट टेम्परेचर काफ़ी कम रहता है तो काम करने में दिक्कत होती है। तो अभी इसको ग्राफ्टिंग के लिए तैयार किया जा रहा है इस पेड़ को। एक छोटा सा बगीचा है जो देख रहे हैं आप यहाँ से ऊपर तक सेब का, इसमें कुछ एक नई वैरायटीज लगाई गई हैं और कुछ एक पुराने प्लांट्स भी हैं एप्पल के। ये देखिए दोस्तों, बाकी दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये था छोटा सा एप्पल गार्डन पर बनाया हुआ वीडियो, आई होप आपको ये पसंद आएगा। मनाली में जो एक विलेज में बनाया गया छोटा सा ये एप्पल का गार्डन है। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू व्यूअर्स।